सेवन रैंडम वेरिएबल। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इंट्रोडक्शन, यूजुअली वी आर इंटरेस्टिंग इन अ पार्टिकुलर आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बट अवर इंटरेस्ट ऑफ सम न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली, तो अब हम एक कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम उसे टॉस करते हैं, हमारा होता है कि इसका आंसर या हेड आए या टेल आए, जो भी है वो एक रैंडम होता है, फिक्स नहीं होता कि एक ही आएगा। जो भी है वो इसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू कॉइंस आर टॉस, वी मे बी कंसीडर ओनली नंबर ऑफ हेड विच अपेयर एंड नॉट इन एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल। कि ये सीक्वेंस भी नहीं होता कि पहले हेड आएगा या पहले टेल आएगा, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे एग्जांपल है एस इक्वल टू, अगर टू कॉइन को टॉस किया तो एच एच टी टेल हेड टी टेल टेल ये आ सकता है। या उसके बाद आई इक्वल टू 0 1 2 है। और इसके अलावा क्या है कि अब हमने इसे क्या किया है, टू हेड आ गए तो टू से शो कर रहे हैं, और हेड और टेल 1 मतलब हेड है, टेल हेड 1 हेड है, और जब दो टेल आएंगे तो 0 हेड है। अगेन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग अ पेयर डाइस, इट इंटरेस्टिंग टू द सम ऑफ द डॉट डैट अपीयर ऑन द टू डाइस एंड नॉट इन पर्टिकुलर डॉट। यहाँ पे क्या है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 0 1 2 3 4 अप टू 0 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी किसी हर एक के आने के 6 के 6 के आने के इक्वल चांसेस हैं। इसे अब हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। और इट शुड बी नोटेड एट द अबव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हैव बीन अ रैंडम वेरिएबल, कि इस तरह से जो भी फंक्शन होते हैं उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाई एफ एक्स, जो इस तरह रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन को एफ एक्स शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एफ एक्स इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स, और एफ एक्स गिवन द प्रोबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड एक्स टेक्स अ वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एब्रीवेटेड टू DF, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में DF से शो करते हैं, और इसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को CDF से कहते हैं। आपको पता है क्यूमुलेटिव में सब फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है, और उनकी फ्रीक्वेंसी पीछे वाली सब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाता है, तो फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। देन है एफ एक्स प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट ऑब्वियस डैट एफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू पी फाई इक्वल टू 0, और एफ पॉजिटिव इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है, PS के विच इज इक्वल टू 1 होती है। देन है बी द टू, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर, देन ए इज लेस देन बी, देन इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे पी ए इज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी। और यहाँ पे अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं एफ एक्स की, वो यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स की, एफ माइनस इन्फिनिटी 0 होगा और एफ प्लस इन्फिनिटी 1 होगा। एफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एफ एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स 2 इफ एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स 2। एंड देन है थर्ड प्रॉपर्टी, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट लीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। देन है नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू बी डिस्क्रीट इफ इट कैन अज्यूम वैल्यू विच आर फाइनाइट और कंटिन्यूस इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या है, एक्स टेक ऑन एन फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, वो क्या है, एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन तक वैल्यूज हैं, उन्हें लिस्टेड किया गया है एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन तक। द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, द नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम ऑब्जर्व इन को असाइनमेंट। यहाँ पे अब क्या है, लेट एक्स बी आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल taking on discrete value x1 x2 and up to so on, then fx find karna, fx equal hai p x equal to xy और एक्स आई इक्वल है 1 2 3 4 अप टू सोन एन तक। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसकी वैल्यूज एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स लिए हैं, और ये विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज 1, डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल प्रोबेबिलिटी पॉइंट और जंप पॉइंट। जब डिस्क्रीट में लेंगे और जब कंटिन्यूस में होंगे तब सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। द फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एफ एक्स इक्वल टू समीशन एफ एक्स आई। देन है लेटिंग एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, वी हैव एफ प्लस एक्स
प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू समीशन एफ एक्स आई इक्वल टू वन। एफ एक्स इन द केस ऑफ डिस्क्रीट एंड वेरिएबल इज स्टेप फंक्शन। ये स्टेप फंक्शन होता है, ये किस तरह से हम ग्राफ से भी देख लेते हैं। इन द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज एंड हैव अ स्टेप और जंप ऑफ हाइट एफ एक्स। मतलब यहाँ पे एक, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस नहीं होता, एक वैल्यू वन, अच्छा एक्स वन पे जो वैल्यू थी जितना ऊपर था वहाँ पे हम हाइट तक जाएंगे, और वो वन तक था तो वन से ऐसे आगे मूव करेंगे, 0.1 तक था तो एक्स टू तक आएंगे, देन जितना हमें ऊपर जाना है जितनी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक हम हाइट की तरह मूव करेंगे, फिर वहाँ उतना जंप करेंगे, फिर उसके बाद स्मूदली मूव करेंगे, देन फिर एक्स थ्री पर आ जाएंगे, जितना फ्रीक्वेंसी होगी उतना हम अपवर्ड मूव करेंगे, और इस तरह से सोन चलता जाएगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन ऑल्सो बी रेफर एज अ रैंडम वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जंप एट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट बिटवीन एडजस्टेंट जंप पॉइंट, कि ये जो एडजस्टेंट जंप पॉइंट है वहाँ तक वो कॉन्स्टेंट रहता है। और यहाँ पे इसके एलिमेंट एक्स वन एक्स टू अप टू सोन डिफाइन किया गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। सम राइटर डू नॉट मे द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट दे आर इंटरचेंजेबली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मे बी एक्सप्रेस इज द टेबुलर फॉर्म। और यहाँ पर टेबुलर फॉर्म से शो किया गया है वैल्यूज हैं एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन तक, प्रोबेबिलिटी है एफ एक्स वन एफ एक्स टू अप टू सोन एफ एक्स एन तक। द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन बाय लोकेटिंग द वैल्यू एक्स वन एक्स टू अप टू सोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ऑफ द हाइट इक्वल टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू अप टू सोन एफ एक्स एन अबव देम। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ग्राफिकली डिस्प्लेड बाय अ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, नीचे हिस्टोग्राम शो किया गया जिससे शो किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। एफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई, और एफ समीशन एफ एक्स आई इक्वल टू वन होना चाहिए। इन अदर वर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड द सेम प्रोबेबिलिटी एसोसिएशन विद ऑल प्रोबेबिलिटी आउटकम एंड यूनिटी। देन हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ थ्री बैलेंस कॉइन आर टॉस। यहाँ पे क्या है कि थ्री कॉइन को टॉस किया गया, उनकी सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस का इक्वल है ट्रिपल हेड टू हेड एंड वन टेल, हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। फिर क्या है एफ एक्स किसके इक्वल है, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो मतलब तीनों हेड टेल्स हो तो देन वन बाय एट है। पी एक्स इक्वल टू वन, जब वन हेड हो टू टेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी है थ्री बाई एट, देन टू हेड हो वन टेल हो देन है थ्री बाई एट, और जब फोर ही हेड हो तीनों के तीनों हेड हों देन वन बाय एट आएगा। देन इन्हें यहाँ पे लिख दिया जीरो वन टू थ्री फोर वन बाय एट थ्री बाय एट थ्री बाय एट एंड वन बाय एट। अब हमने क्यूमुलेटिव प्रो एफ एक्स इक्वल है पी एक्स एक्स थ्री एक्स और बाय एट, यहाँ पे है थ्री एक्स वन बाय टू पावर थ्री एक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स इक्वल टू जीरो, इफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन देन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो वन बाय एट आ जाएगा। इस तरह वन लेस देन इक्वल टू एक्स बाय टू आएगा, उसमें जीरो और वन वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, वन बाय एट प्लस थ्री बाय एट है वो फोर बाय एट आ जाएगा। देन टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू टू फोर बाय थ्री थ्री बाय एट इक्वल टू सेवन बाय एट आ जाएगा। देन पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स समीशन पी एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू वन, देन यहाँ पे लिख दिया जीरो वन बाई एट फोर बाई एट और सेवन बाई एट और वन, प्रोबेबिलिटी कब कहाँ आएगी, जीरो होगी जीरो जब एक्स लेस देन जीरो होगा, वन बाई एट होगी जब वन जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, फोर बाई एट होगी फोर वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, सेवन बाई एट होगी टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एंड वन होगी फोर एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री। इस तरह से ग्राफ में भी शो किया गया है इन सब पॉइंट्स का, क्योंकि ये डिस्क्रीट के हैं इसलिए जंपिंग वाले मेथड से यहाँ पे ग्राफ बनाए गए हैं। एक और एग्जांपल है वो देख लेते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट व्हेन टू फेयर डाइस आर शोन। यहाँ पे क्या है, यू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ एट और इलेवन, या तो सम एट हो या इलेवन हो और ग्रेटर देन एट देन है ग्रेटर देन फाइव और लेस देन एट।
हमें पता है टोटल ये यहाँ पे एक्स में क्या है, डोड़ में 1 2 3 4 टोटल 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 अप टू सो ऑन 6 6 तक जाएंगे। और यहाँ पे क्या है पी एक्स इक्वल टू 2 क्या है P11, इस ये 2 बनते हैं तो 1/36। पी एफ एक्स इक्वल टू 3, जब 3 ये है 1 2 2 1 और वो क्या है 2/36 उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन F4, जब 4 कैसे बनेंगे 1 3 2 2 3 1, तो ये 3/36 आ जाएगी। F5 की प्रोबेबिलिटी आएगी 4/36 और F6 की 5/36। इस तरह से सबकी फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पर हमने टेबल बनाया, उसके अंदर 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक लिखेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। देन अब क्या है Fx इक्वल टू 6 - 7/x/36, ये हमारा फंक्शन है। Fx गिवन है, देन पी ए इक्वल ए सम ऑफ 8 और 11, देन पी एक्स इक्वल टू 8 और एक्स इक्वल टू 11। पी एक्स इक्वल टू 8 प्लस एक्स इक्वल टू 11, 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36 प्लस 11 की है 2/36, इन्हें ऐड कर लेंगे। इस तरह जो ग्रेटर देन 8 है वो 9 10 11 12 तक करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी में यहाँ टेबल में लिखी है वो वाली हम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 10/36 आ जाएगा। देन सम इज़ ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 10, देन 5x लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, देन 6 7 8 9 10 आ जाएगा। अब F6 F7 F8 F9 और F10 को ऐड कर लेंगे, टेबल से हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उन फ्रीक्वेंसी को लिख के ऐड कर लेंगे, आंसर आएगा 23/36। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।